नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच एम टी वी लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। आज हमारे साथ धारा 370 पर बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री माननीय सूरजभान पांडे जी हैं। आजकल देश में बहुत खुशी की लहर चल रही है कि जो है कि जम्मू कश्मीर के धारा 370 में संशोधन कर दिया गया। तो एक ही बताइए, धारा 370 से जम्मू कश्मीर वालों को क्या बेनिफिट था और जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को क्या परेशानी थी कि धारा 370 में संशोधन करना पड़ा? देखिए भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं संगठन में जब आया था तो संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मैं जब जाता था जी। तो ये तीन चीज़ों के लिए कार्यकर्ताओं को एक तरह की शपथ दिलाई जाती थी, प्रण कराया जाता था। क्या? कि समान नागरिक संहिता लागू होगी जी। धारा 370 समाप्त करना है और राम मंदिर का निर्माण और जब हम इसका नारा लगाते थे जी। तो धारा 370 के बारे में हमें खुद भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको इतना उलझा दिया था कि सुलझने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। कभी समझ में आता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा दिया है, कभी लगता था इसमें पाकिस्तान टांग अड़ाएगा और दो विदेशी टांग अड़ाएं, समझ में आता है काफी पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। और अपने ही देश के लोग, जो लोग भारत का खाते थे, भारत का पहनते थे और यहीं की सुख सुविधाएं भोगते थे और भारत माता के खिलाफ नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, और कुछ राजनीतिक दल जिसमें देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है और 52-53 साल सत्ता में भी रही है कांग्रेस की बात है, ऐसे ऐसे टुकड़े गैंग को वो अपना समर्थन देती थी, तो बहुत निराशा होती थी और हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह सपना जो हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था और उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जी। लेकिन मैं अपने संगठन पर गर्व करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गर्व करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी गर्व करता हूँ कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या और उनका बलिदान जी। और मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी का मतलब कुशल कूटनीति और पूरी टीम ने लग करके वहाँ राज्यपाल इस तरह का भेजा सतपाल जी, जिन्होंने बड़ी चतुराई और कूटनीति से काम लिया, अंतिम समय तक किसी को पता नहीं चला कि क्या होने वाला है, और सारी भूमिका उन्होंने वहाँ बनाकर तैयार कर दी और आदरणीय मोदी जी ने इतना बढ़िया नेतृत्व किया। राज्यसभा में हमें पूर्ण बहुमत नहीं था, वहां पर भी हमें बहुत बहुमत से विजय मिली और धारा 370 को लोकसभा में 370 वोटों से, देखिए संयोग देखिए कि धारा 370 को समाप्त किया गया 370 वोटों से, इतना जबरदस्त बहुमत हमें मिला। इसके लिए पूरे देशवासियों को, हमारे पार्टी नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, सत्यपाल मलिक जी को और अपने संघ के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बिना स्वार्थ के और देश के कोने कोने में घूमकर राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार की और उसका सुफल हमें 8 अगस्त 2019 को देखने को मिला। और मैं तो ये कहता हूँ 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली वह अधूरी थी, आज जाकर के हमें पूरी आज़ादी मिली है। इसके लिए समस्त देशवासियों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में नहीं है। धारा 370 खत्म होने से व्यापार जम्मू कश्मीर लद्दाख में और देश के कोने कोने में बराबर हो सकेगा, लोग वहाँ रोजगार भी पा सकेंगे, लोग वहाँ जा करके कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन ये जो मेरी जानकारी या लोग अभी पूरे चल रहा है कि जो धारा 370 में सुधार संसद तब कर सकती थी जब वहाँ के
विधानसभा पारित करके संसद में भेजे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिलहाल वहाँ पे संसद जो है कि स्थगित है और राष्ट्रपति शासन या कहें कि राज्यपाल शासन लागू है। इसके बावजूद भी इन्होंने कर दिया, चलिए बहुत साहसिक कदम है, आज नहीं तो कल करना ही था, होना ही था, हो गया, अच्छी बात है। तो आप, मुझे लगता है कि थोड़ा वहाँ के लोगों को भी, या बहुमत में लिया जाता है वहाँ के विधानमंडल को भी या सभा को भी, तो थोड़ा एक और बेहतर परिणाम आता। लेकिन फिर भी अच्छा काम है, ये होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं कि जो है कि एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, दो झंडा नहीं चलेगा, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो अब बताइए कि आने वाले दिनों में जो है कि जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो HMTV लाइव के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब देखिए, संवैधानिक दृष्टि से जितना बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सकता है जी, वहाँ विधानसभा स्थगित नहीं है, विधानसभा भंग है और राज्यपाल का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन है और राज्यपाल के अधीन सरकार काम कर रही है और राज्यपाल की संस्तुति इसमें मिली है, तब जाकर हुआ और तब जाकर के हुआ है, नंबर एक। और धारा 370 संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट की सहमति से नहीं लगाई गई थी, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जबरदस्ती थोप दिया था, भीमराव अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया, सरदार पटेल जी ने उसका विरोध किया, परमानेंट नहीं लगा था जब लगा था तो, हाँ उस समय अस्थायी था, लेकिन वो राष्ट्रपति के लेकिन किसी नेता ने हिम्मत नहीं किया, मोदी जी ने किया है, बधाई के पास। हाँ तो कायर हिम्मत थोड़ी करते हैं, जो भारत माता का सच्चा सपूत होता है वो हिम्मत करता है और करके दिखाया मोदी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब आगे बताइए जो है कि 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम पूरा देश मनाता है, खुशियां मनाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी हमारी अधूरी थी, असली आजादी, पूर्ण रूप से आजादी 8 अगस्त 2019 को मिली, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी भारत के अभिन्न अंग बन गए, वहां से धारा 370 खत्म हो गई, भेदभाव की परिस्थितियां खत्म हो गई, जम्मू कश्मीर का नागरिक दिल्ली में आकर रह सकता, दिल्ली का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता, बिहार का, यूपी का, झारखंड का, कहीं का भी, और पूरा देश आज एक सूत्र में है और तिरंगे झंडे के नीचे आया है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि किसी के गुमराह करने में, बहकावे में ना आए और राष्ट्र की मजबूती के लिए सब लोग एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी की सरकार का साथ दें और उनकी नीतियों का साथ दें। POK भी हमें जल्द मिलने वाला है और समान नागरिक संहिता भी इन्हीं के कार्यकाल में लागू हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी जी एक बहुत साधारण व्यक्ति और संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, एक बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन के सिपाही है, संगठन के सिपाही भी है और उसका एक एक कार्यकर्ता अपने को कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो मोदी जी उस परिपाटी के नेता हैं और वो अपना पूरा जीवन भारत माता की खुशहाली के लिए लगाएंगे और हमारा भारत वर्ष फिर सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा, ऐसी ईश्वर से कामना भी है और पूरा विश्वास भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं था HMTV लाइव के लिए बदरपुर से लाल बिहारी लाल और साथ में थे हमारे माननीय सूरज भर पांडे जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।